नमस्कार। कक्षा 6 एक्सरसाइज 3.3। आज हम इसका प्रश्न 2 करने जा रहे हैं। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड बाय 8। यानी हमें यहाँ पे दो डिविजिबिलिटी टेस्ट करने हैं, 4 का और 8 का। तो हम सबसे पहले देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 4। इसके लिए हम नंबर एक बार फिर से लिखते हैं 5, 7, 8। और आपको, आपने मेरे डिविजिबिलिटी टेस्ट वाले वीडियो में देखा होगा, 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें किसी भी संख्या का लास्ट टू डिजिट्स यानी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस वाले डिजिट्स को इकट्ठा कंबाइन करना है। और ये नंबर बन गया है 78। तो हमें देखना है कि क्या 78 जो है वो 4 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो आइए देखते हैं, 78 को 4 से डिवाइड करते हैं। तो टेबल अगर याद हो तो 19 चौके होता है 76, 78 में से 76 निकाल दिया तो बाकी बच गया 2। इसका मतलब शेषफल 0 नहीं आया। यदि शेषफल 0 नहीं आया, इसका मतलब 78 जो है ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 78 इज, सॉरी, एक गलती हो गई हमसे, ये जो 8 है इसकी जगह 2 है। असल में यहाँ पे 2 है। तो यदि यहाँ 2 है तो ये बन जाएगा 72। तो फिर ये 18 चौके 72 पूरा पूरा कट जाएगा, शेष आ गया 0। ठीक है, यदि शेष 0 है तो हम यहाँ लिखेंगे 72 इज डिविजिबल बाय 4। और यदि 72 4 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या, इसका मतलब 572 इज डिविजिबल बाय 4। और यदि ये लास्ट टू डिजिट्स मिलाकर जो दो एक संख्या बनी, ये अगर 4 के पहाड़े में नहीं आती तो हम लिखते दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो ये हुआ 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब हमें देखनी है डिविजिबिलिटी बाय 8। यदि आपको 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट याद हो, संख्या एक बार फिर से लिख लेते हैं 5, 7, 2। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बिल्कुल 4 जैसा ही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि 4 में आखिरी 2 डिजिट लेते हैं, 8 में आखिरी 3। तो 1, 2, 3 तीन ही डिजिट्स है इसमें, तो हम ये तीनों ही डिजिट्स ले लेंगे 5, 7, 2। इसको 8 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, 8 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 8, 7, 56। 7 में से 6 निकाला 1, 5 में से 5 गया 0, ऊपर से उतारा 2, 12। 8 एकम 8, 12 में से 8 निकाले 4, आगे उतारने के लिए कुछ नहीं है। इसका मतलब जो हमारा शेषफल है वो 0 नहीं आया। इसका मतलब ये जो 572 है, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, अगर ये 0 आया था शेषफल तो हम लिखते हैं दिस इज डिविजिबल बाय 8, लेकिन क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए 572 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न में डिविजिबिलिटी बाय 4 और डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक करनी है। ठीक है बच्चों।